नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे जड़ कारण डायबिटीज क्यों होती है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि चीनी की वजह से हमें डायबिटीज हो गई है या शुगर लेवल खून में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को जान के ये शॉक लगेगा, सिर्फ और सिर्फ चीनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा जो गट बैक्टीरिया है, हमारा जो पैनक्रियाज है वो रिस्पॉन्सिबल है, और उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम लोग, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या खाना है, कब खाना है। उस गलती की वजह से हमारी शुगर बढ़ती है और हम डायबिटिक हो जाते हैं। दोस्तों, ये है पार्ट टू वीडियो। पार्ट वन वीडियो आई बटन में लिंक है, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है आयुर्वेदिक डाइट प्लान, तो प्लीज आप ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं कि हम किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल नहीं बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको दो सबसे बड़े मिथ्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहला है कि चीनी खाने से, शुगर ज्यादा लेने से डायबिटीज हो जाता है। अब लोग इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है चलो चीनी तो ठीक है, वो तो है ही खराब चीज, लेकिन फल भी नहीं खाने चाहिए, स्पेशली आम या केला। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर ज्यादा होती है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि भगवान का बनाया हुआ मीठा और इंसान के बनाए हुए मीठे में जमीन आसमान का फर्क है। पहला मिथ। दूसरा मिथ कि डायबिटीज जेनेटिक होती है, यानी अगर आपके दादा-दादी को है, अगर आपके माँ बाप को है, तो ये आपको भी हो जाएगा। जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पता है कि कैसे एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, अगर आपको पता है कि कब और क्या खाना है, तो ये डायबिटीज आपको कभी भी नहीं होगी। ये मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। आइए अब हम बात करेंगे दोस्तों पैनक्रियास की, जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम डायबिटीज की बात करते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, पैनक्रियास होता है हमारे पेट के जस्ट थोड़े से पीछे। अब होता है क्या दोस्तों, पैनक्रियास से ही इंसुलिन निकलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल, लेकिन आज हम फोकस करेंगे बीटा सेल की। क्यों? क्योंकि 70-75% इंसुलिन बीटा सेल से ही निकलता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए आपके छत पे जो पानी की टैंकी है उसमें गंदगी बहुत भरी हुई है, और जब आप नल खोलते हैं मुंह धोने के लिए या पानी पीने के लिए, तो उसमें से गंदगी निकलती है। क्या आप लोग वो पानी का सेवन करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस पानी से बीमारियां लग जाएंगी या फिर आपको स्किन में डिसऑर्डर हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप टैंकी साफ करते हो ताकि आपको साफ पानी मिले। वही चीज पैनक्रियास के साथ होता है। कैसे? जब आप गंदा खाना खाते हो, बेवक्त मीठा खाते हो, आपका कुछ पता ही नहीं है, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, तो क्या होता है, पैनक्रियास में सारा का सारा टॉक्सिन्स जमा होना चालू हो जाता है। वो टॉक्सिन्स जब निकलता है तो वो इंटेस्टाइन में जाता है। अब इंटेस्टाइन वो जो गंदगी है वो सोखना चालू कर देती है। क्यों? क्योंकि भाई इंटेस्टाइन को तो सिर्फ टॉक्सिक ही मिल रहा है, सिर्फ गंदा पानी ही मिल रहा है। पहले आप अपनी टैंकी साफ तो करिए, पैनक्रियास तो साफ करिए, और जब ये बढ़ना चालू हो जाता है तब होता है इंसुलिन में दिक्कत। इंसुलिन बनना बंद होना चालू हो जाता है, उसकी जो रेगुलर क्षमता होती है वो खराब होना चालू हो जाती है। अब चालू होता है यहाँ से असली खेल डायबिटीज का। अब आप लोग समझ चुके हो कि पैनक्रियास कनेक्टेड है इंटेस्टाइन से और इंटेस्टाइन कनेक्टेड है पैनक्रियास से। अगर इन दोनों में कोई भी इश्यू होगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आएगी? बीटा सेल में, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि पैनक्रियास और इंटेस्टाइन को क्लीन कैसे करना है, साफ कैसे रखना है, ताकि आपको डायबिटीज ना हो, या अगर आपको डायबिटीज है तो उसको किस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। आइए जानते हैं, पैनक्रियास और इंटेस्टाइन को साफ करने की एक ही दवा है, और ये दुनिया की सबसे अच्छी दवा है, वो है 15-16 घंटे का फास्टिंग, जिसको आजकल लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन दोस्तों ये चीज तो आयुर्वेद में कब से लिखी हुई है,
कि जब सूर्य उदय हो तब खाना खाना चालू करो और जब सूर्य अस्त हो तब अपना आखिरी खाना खा लिया करो। तो दोस्तों, अगर आप लोग 15 से 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हो तो ही आपका पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन या पूरा शरीर साफ होगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, या तो वो साफ सफाई कर सकता है या वो खाने को पचा सकता है। लेकिन इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? साफ सफाई की। दूसरा तरीका, माँ प्रकृति ने जो आपको मीठा दिया है, जो सब्जियाँ दी हैं, वो खाना है। अब आप लोग बोलोगे, विपिन माँ प्रकृति ने तो बहुत सारे फल दिए हैं, फल में तो शुगर होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक ब्रेड का जो GI होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो 70 के आसपास होता है, और एक आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 55 का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जितना ज़्यादा GI होगा उतना आपके खून में शुगर बढ़ेगा, और जितना कम GI होगा उतना आपकी बॉडी खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। इस पे मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तीसरा, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की तलब मचना। अक्सर ये पाया जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो आप क्या करते हो, खाना खाया और मन किया चलो कुछ मीठा खा लेते हैं, भूख नहीं लग रही है, मन कर रहा है, उस मन को मनाने के चक्कर में आपके पैनक्रियाज की वाट लगना चालू हो जाता है, और जब ये वाट लगनी चालू होती तब क्या होता है, आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था, या तो आपका शरीर साफ करने में दिमाग लगाएगा या फिर खाने को पचाने में दिमाग लगाएगा। अब आप खुद ही बताइए दोस्तों, अगर आपका शरीर 24 घंटे खाने को बस पचाने में ही काम करता रहे तो फिर साफ कब करेगा? सोच के देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ऐसा क्या करें जिससे डायबिटीज़ रिवर्स होने में मदद मिलेगी। ये बेस है, ये फाउंडेशन है। जब बिल्डिंग बनती है, जब घर कंस्ट्रक्ट होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। तो जो चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये फाउंडेशन है। अगर आपकी नींव ही कमज़ोर होगी तो आप खुद बताइए किस तरह से आप रिवर्स कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले आपने दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले है सफ़ेद पेठे का जूस। दोस्तों, सत्व में सफ़ेद पेठे को अमृत समान माना गया है, नंबर 1 पे इसको रखा गया है, नंबर 2 में शहद है, लेकिन मैं शहद के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा है, आपने लेना है हरी सब्जी का जूस। ये डिटॉक्स या साफ करने में बहुत 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 हेल्प करता है दोस्तों। और सफ़ेद सब्जी कुछ भी हो सकती है, जो आपको अच्छा लगे, चाहे वो पालक हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लेटस हो, इनका यूज़ करें। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जितना अच्छा पोटेशियम बनेगा उतना आपका पैनक्रियाज साफ होगा, उतना आपका ब्लड फ्लो और स्ट्रॉन्ग होगा। आपका जो गट बैक्टीरिया है, ये जो हरा जूस होता है, ये गट बैक्टीरिया को बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि गट बैक्टीरिया आपके दिमाग से 24 घंटे बात करता रहता है, तो जब अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो दिमाग भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा, उतना ही अच्छे आपके पैनक्रियाज होंगे। लाल कलर का जूस, यानी कोई भी लाल कलर की सब्जी या फल को मिक्स करके उसका जूस बनाना। क्यों दोस्तों? क्योंकि इंटेस्टाइन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, आपके पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन सालों से कचरा जमा करके बैठे हुए हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जो लाल जूस है ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। स्पेशली हमारे शरीर में एक स्प्लीन नाम का ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, खून को फिल्टर करता है, साफ करता है, ये उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ख़ासकर वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, सोचिए लाल कलर का जूस उनके बॉडी में कितना अच्छा काम करेगा। हल्दी और दालचीनी की चाय। मुझे पता है बहुत लोगों को हल्दी पी के गर्म लगता होगा, कईयों का पेट बड़ा होगा, तो इस चक्कर में आप क्या कर सकते हो, आप आंवला हल्दी यूज़ करते हो। ये नॉर्मल हल्दी से थोड़ी ठंडी होती है। हल्दी और दालचीनी दो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों हम हिंदुस्तानियों के किचन में, जो अमृत से भी बढ़कर हैं। हज़ारों 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 चीज़ों में इनका यूज़ होता है,
और जनक ऋषि जी ने तो इतना कुछ लिखा गया है हल्दी और दालचीनी के बारे में कि जितना मैं बोलूं उतना कम। तो हो सके तो खाली पेट या फिर दिन के समय जब जठर अग्नि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है तब आपको इसकी चाय बना के पीनी है। अब चाय का मतलब दूध नहीं है, मतलब आपको पानी में हल्दी और दालचीनी को उबालना है और सिप सिप करके आराम आराम से पीना है। जठर अग्नि को स्ट्रॉन्ग करना, ताकतवर बनाना। जठर अग्नि क्या है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है और साथ ही में गट बैक्टीरिया को कैसे इम्प्रूव करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जठर अग्नि वो अग्नि है दोस्तों, अगर ये कम हो जाए तो एक इंसान की मृत्यु हो सकती है और जिन लोगों को बीमारियां होती हैं शरीर में उनकी जठर अग्नि बहुत कमजोर होती है। अब जठर अग्नि को मजबूत करना है तो याद रखिए आपने क्या क्या करना है। जौ, बाजरा या कोदा, इनकी रोटी खानी है। वीट की बनी हुई रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी है। याद रखिए, इस चीज़ को लिख लीजिए, जितना आप वीट से बना हुआ खाना पीना खाएंगे उतने ही आपकी डायबिटीज़ बढ़ती रहेगी और ज़िंदगी भर गोलियां और इंजेक्शंस भी बढ़ते रहेंगे। तो याद रखना, जौ, बाजरा और कोदा। अब हम बात करेंगे दोस्तों उन चीज़ों के बारे में जो चीनी से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे पहला है बासी खाना खाना। जी दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने बोला है और ये हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, कोई भी खाना बनने के बाद 3 घंटे बाद अगर हम उस खाने को खाएंगे तो वो तामसिक बन जाता है। वो खाना शरीर में जाने के बाद टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब आप सोचिए दोस्तों, रात का खाना जब बचता है तो हम सुबह खा लेते हैं, सुबह का खाना जब बच जाता है तो हम दिन में खा लेते हैं। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, अंडा, दूध या दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट्स, चिकन, नॉन वेज, मीट, मच्छी और वीट, इनका उपयोग नहीं करना है। अब मुझे पता है बहुत लोग ये देख के सोच रहे होंगे, अरे आज तक तो हमें किसी ने बोला नहीं कि ऐसा करना है, अंडे में तो शुगर होता नहीं, नॉन वेज में तो शुगर होता नहीं, तो फिर विपिन मना क्यों कर रहा है? दोस्तों, शुगर है नहीं, शुगर आपके अंदर ऑलरेडी है और आप दवाई खा रहे हो। आपको ठीक होना है तो आपको ये सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको माँ प्रकृति ने जो दिया है उसका सेवन करना ही पड़ेगा। किसी दूसरे जानवर का दूध वो आपके लिए नहीं बना है। सोचिए, मैं इस पे भी एक बहुत ही बड़ी वीडियो बनाऊंगा कि दूध क्यों नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज आप बस यही समझ लीजिए, अगर आपको रिवर्स करना है डायबिटीज तो आपके पास यही ऑप्शन है, इन ऑप्शन से आपको दूर ही रहना है। और साथ में एक बोनस टिप दोस्तों, प्राणायाम। क्यों? क्योंकि जितना आप प्राणिक एनर्जी, पॉजिटिव प्राणिक एनर्जी बॉडी में लाओगे उतना ही नेगेटिव प्राणिक एनर्जी बाहर निकलेगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। बस एक चीज याद रखना, जब आप ये सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, जब सात्विक खाना खाना चालू करोगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लूज मोशन लगे, सर में दर्द हो, बुखार हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो रहे हो। आपका शरीर, आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज उनको निकलने देना, डरना मत बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। माँ प्रकृति के पास जाइए, लिविंग जो चीज़ें हैं जिनमें जान है, जिनमें पानी है, वो लीजिए, ना कि वो चीज़ें जो ऑलरेडी मरी हुई हैं और जिनमें कोई जान नहीं है, कोई पानी नहीं है, उनका सेवन कृपया मत करिए। सात्विक लाइफस्टाइल ही फ्यूचर है। ये जो बीमारियां हैं इनको सिर्फ और सिर्फ सात्विक लाइफस्टाइल ही फिक्स कर सकता है। आगे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा इन्फॉर्मेटिव, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मां भारत।